ये अधिकारी है उसका व्यवहार आज जनता के पास कैसा व्यवहार लगा? अधिकारी जनता, लेकिन पुरुषों को तो बाहर निकाल रहे हैं, महिला को अंदर रख रहे हैं, नहीं आते हैं तो माइक पर अलाउंस करके बाहर निकाल रहे हैं। और अभी पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन किया है और मीडिया कर्मी के साथ भी धक्का मैंने देखा। अभी पहले मीडिया कर्मी को बाहर निकाल रहे हैं, जबरदस्ती बाहर निकाले, मैंने देखा अभी, मैं पास में ही खड़ा था। बंद क्यों कर रहे हो आप? आप वापस क्यों जा रहे हो उनको? सर सुनो, मेरी बात सुनो, आप इनके पीछे क्यों जा रहे हो? आज इतनी भी कवरेज हो रही है, मैंने कभी पुलिस की या फिर कभी किसी जहाँ पे कोई गलत मुद्दा होता है, यहाँ पे मैंने कभी किसी का पक्ष विपक्ष किया होता, मेरे पास मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। आवाज उठाने वास्ते लोकतंत्र सौतो स्तंभ इन जगह माते पहुंचियो, आशित कर लो कि आखिर यो साथ कहीं घटनाक्रम हो, कहीं हकीकत है। नमस्कार गुरु जी। बिल्कुल नमस्कार। आखिर क्या घटनाक्रम हुआ, आप यहाँ पे आए तभी? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो आरसी मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह 9 बजे की बात है, मैं यहाँ कवरेज के लिए आया था। अच्छा। और सुबह जैसे ही अंदर गया, अंदर जाते ही यहाँ के प्रकाश जी नाम कर एक बीओ है। अच्छा। उन्होंने मेरे को बोले तुम कौन है, लाइन में खड़ा रहे। ठीक है ठीक है, लाइन में खड़ा रहे और धक्का दे के मेरे को बाहर निकाल दिया। क्या हो रहा है, आप बंद क्यों कर रहे हो? बंद क्यों कर रहे हो आप? आप वापस सुनने जा रहे हो उनको? सर सुनो, मेरी बात सुनो, आप इनके पीछे क्यों जा रहे हो? कहीं ना कहीं आप बिगड़ो तो फिर, यदि सच हो तो बाहर आके बताओ। सच है तो बाहर आओ। नहीं सर, मेरी सर सुनो, ओ सर जी आप इनसे पूछ लेते हैं ना, ये ट्रोलिंग बन रहे हैं, ये आप गलत बात है। आप अपना काम करो, जब उन्होंने मिस किया हम उनसे बात कर, आप अभी ये भी कर रहे हैं ना, आप उनको नहीं रोक सकते, या तो उनको बाहर बोलो या हम आएंगे अंदर। अभी ये भी कर रहे हैं ना, ये भी कर रहे हैं ना, ये बाहर निकाल रहे मीडिया कर्मी। अरे क्यों आप लोकतंत्र के स्वागत तो फिर आप कर रहे हो ना सर, जानना है आप क्यों रोक क्यों रहे हो सर, रोक क्यों रहे हो आप, क्यों रोक रहे हो? आप तो फिर आप रोक क्यों रहे? हम उनसे बात कर रहे हैं ना सर। अधिकारी उसका व्यवहार आज जनता के पास कैसा व्यवहार लगा? अधिकारी जनता, लेकिन पुरुषों को तो बाहर निकाल रहे हैं, महिला को अंदर रख रहे हैं, नहीं आते हैं तो माइक पर अलाउंस करके बाहर निकाल रहे हैं। और अभी पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन किया है और मीडिया कर्मी के साथ भी धक्का मैंने देखा। अभी पहले मीडिया कर्मी को बाहर निकाल रहे हैं, जबरदस्ती बाहर निकाले, मैंने देखा अभी, मैं पास में ही खड़ा था। अधिकारी उसका व्यवहार आज जनता के पास कैसा व्यवहार लगा? अधिकारी जनता, लेकिन पुरुषों को तो बाहर निकाल रहे हैं, महिला को अंदर रख रहे हैं, नहीं आते हैं तो माइक पर अलाउंस करके बाहर निकाल रहे हैं। और अभी पुलिस को भी इन्फॉर्मेशन किया है और मीडिया कर्मी के साथ भी धक्का मैंने देखा। अभी पहले मीडिया कर्मी को बाहर निकाल रहे हैं, जबरदस्ती बाहर निकाले, मैंने देखा अभी, मैं पास में ही खड़ा था। मैं मीडिया कर्मी हूँ, जब मेरी माइक आईडी बाहर निकाली तो उन्होंने तुरंत बोले ठीक है मीडिया कर्मी हो, तो फिर मेरे को पकड़ के वहाँ पीछे लेके गए, वहाँ बैठा दिया और बोले जो भी हुआ है वो इनको पता नहीं था। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो मीडिया कर्मी के साथ में इस तरह से ये अधिकारी दुर्व्यवहार कर रहे हैं, तो ये बेचारी जनता नीचे बैठी इसकी कौन सुनेगा? और हम इनके मुद्दे लेके सामने आते हैं हमेशा, और ये इस तरह से जो अधिकारी लोग हैं ये कौन है? ये जनता के नौकर है और ये इनको ये भी पता नहीं है कि हम जनता के लिए कर रहे हैं। अब मैं आपको जानना चाहूँ कि सरकार की है कि मोबाइल इशू की ना और हमें एक किया दे रही है। मैं बताना चाहूँगा ओप्पो वीवो एम आई, ठीक है, और ये क्या कर रहे हैं, ओप्पो वीवो एम आई की जगह ये आईटेल का फोन दे रहे हैं। अच्छा। चाइना का, चाइना का बिल्कुल एक नंबर का थर्ड क्लास फोन है चाइना, उसको ये आईटेल का फोन लोगों को वितरण कर रहे हैं। और नहीं इनको जानकारी है, जनता को कोई जानकारी नहीं है किस तरह के फोन हमें मिल रहे हैं, जो ये आईटेल का फोन पकड़ा रहे हैं इसके साथ में बहुत बड़ी धांधली हो रही है। ठीक है, और जो मेरे साथ व्यवहार हुआ है तो ये मेरा मानना। और एक और सवाल है, यहाँ के वार्ड पंच हैं जो आज जिंदनियाला कला से जो भी आए हैं मोबाइल लेने के लिए, उनका वार्ड पंच का जिम्मेदारी बनती है कि कितने आदमी लेके आए और अपना फॉर्म भरा के फिर बाद में मोबाइल दे रहे हैं, उसको भी अंदर नहीं कर रहे, उसको भी बोले बाहर, जेंट्स अलाउ ही नहीं है, खाली लेडीज अलाउ है, इस तरह से इनका व्यवहार है। ठीक है, मार्शाते मेरा नाम रामनारायण है और मैं यहाँ मोबाइल लेने के लिए आया हूँ, और मेरे को ये आईटेल का मोबाइल दिया गया है
और मुख्यमंत्री द्वारा MI, वीवो और टेक्नो के फ़ोन दिए जाते हैं और मेरे को IDL का फ़ोन दिया गया है जिसकी सर्विस बिल्कुल ही डाउन है और बोला गया है वो मोबाइल नहीं दिया जा रहा है, कंपनी दे रही है वो नहीं दे रहे हैं, ये IDL का मोबाइल दे रहे हैं। इसलिए आप इस योजना से खुश है क्या है? नहीं नहीं, जो मोबाइल दे रहा है वो नहीं दे रहे हैं, दूसरा दे रहे हैं, खुश कहाँ है? और आज कहाँ पर खड़े हैं? मेरा नाम हड़माना राम है, मैं कानासर का वार्ड पंच हूँ। अभी मैं यहाँ बालेसर में खड़ा हूँ जहाँ मोबाइल वितरण किए जा रहे हैं, मोबाइल फ्री वाले। ठीक है, मोबाइल वितरण को लेकर आप क्या कहेंगे? मैं वितरण देखो, मैं जनता को लेकर आया था साथ में गाड़ी में, और सभी जनता मेरे साथ ही है और मैं वार्ड पंच हूँ इसलिए मैं अंदर गया। लमसम कितने आदमी आपके? लगभग हमारे कानासर के 68 लोग हैं। 68 लोग? हाँ, और मैं अंदर